रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने आज मोदी सरकार की तानाशाही और रोज की तानातानी से तंग आकर अपने इस्तीफे देने की घोषणा की है। जानकारी में यह आया है कि मोदी जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वह चुनाव तक अपना इस्तीफा न दें, जिसकी संभावनाएं लगभग एक महीना पहले ही जता दी गई थी। लेकिन सरकार से इस्तीफा देने के रिजर्व बैंक से इस्तीफा देने के बाद जो सरकार की जो परफॉर्मेंस थी वह स्पष्ट रूप से एक पैरामीटर के रूप में सामने आई है कि ऐसा क्या कारण है कि मोदी जी ने अपने चहेते अधिकारी को गुजरात से बुलाकर रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया, आज वही रिजर्व बैंक का गवर्नर इस सरकार के तानाशाही को नकार कर इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुआ है। हमें संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा और उनके अस्तित्व को बचाए रखने का संकट सामने दिखाई दे रहा है। यह देश की सरकार संवैधानिक संस्थाओं और विभिन्न इंस्टीट्यूट को बचा पाने में विफल दिखाई दे रही है।